चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार और लवण। टॉपिक का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट ये टॉपिक का नाम। अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण ठीक। एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट ठीक। देखिए ध्यान से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इसी टॉपिक में आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर बनाना, थामन सोडा बनाना ठीक है, तमाम चीजें इसी टॉपिक में आपके मिलेंगे। तो एक एक कार्य करके पॉइंट हम समझते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसका अम्ल। टॉपिक का नाम है, हेडिंग भी आपका कौन सा है, अम्ल। देखिए टॉपिक क्या नाम है, अम्ल क्षार एवं लवण। हेडिंग क्या लगा आपका, अम्ल। देखिए अम्ल क्या है। अच्छा हम लोग क्लास 8 में होते हैं तो हम लोग को पढ़ाया जाता है कि जिसका स्वाद खट्टा होता है अम्ल होता है। क्या हर चीज हम चख सकते हैं, चख के बता पाएंगे। अब मान लो स्वाद खट्टा है, अम्ल है, चलो ठीक है सही है। ये डिफिनेशन नहीं हुआ, इसका गुण हुआ। क्या हुआ, गुण। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्किनियस। आर्किनियस आर्किनियस ने मॉडल डिफिनेशन दिया, कहा अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में, जो कहा जलीय विलयन में, जलीय विलयन में एचन धनायन यानी हाइड्रोजन धनायन देता है, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। कौन बताए, आर्किनियस ने बताया कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं ठीक। जैसे बच्चों देखा जाए HCl ये क्या है आपका, अम्ल। HNO3 ये भी क्या है, अम्ल है। H2SO4 ये भी क्या है, अम्ल है ठीक। अब अगर बात करें तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल अम्ल। हमने कहा कि अम्ल जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रबल अम्ल, एक होता कैसा, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है। एक प्रबल अम्ल है, कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है कोई बता सकता है, प्रबल अम्ल। कोई बता सकता है प्रबल अम्ल क्या, दुर्बल अम्ल। जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा वो प्रबल, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम वो क्या होगा, दुर्बल होगा ठीक है ना। हमने कहा जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा वो क्या होगा, प्रबल। जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कम वो क्या होगा, दुर्बल। आया सुन ले। अब बच्चों अगर अम्ल के गुण की बात किया जाए, भौतिक गुण, भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब बताओ इमली में अम्ल पाया जाए कि नहीं पाया जाएगा, आंवला में पाया जाएगा ना। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाएंगे, ठीक है ना। इसका भौतिक गुण है पहला, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा गुण इसका है कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या करता है ये नीले लिटमस
लिटमस, लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देता है। अगर कोई नीला लिटमस पेपर लिया जाए और अगर उसमें नींबू का रस डाल दिया जाए तो कैसा हो जाएगा, नींबू रस कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक, नींबू रस में क्या पाएगा, अम्ल पाएगा। तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, इन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी चेक करना, हमारे लिए दो विलयन ले लिया गया, ऐसे दो विलयन है, ठीक है, एक में भरा हुआ है अम्ल, एक में भरा गया है क्षार, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं किसमें अम्ल है किसमें क्षार। तो हम अगर नीला लिटमस पेपर लिए कोई जिसमें डाले और अगर इस पात्र में डाले तो अगर लाल हो गया समझ जाएंगे इसमें क्या भरा हुआ है, अम्ल। ठीक, आया समझ में कि नहीं आया, जिस पात्र में नीला लिटमस पेपर डालेंगे और लाल हो जाए तो उस पात्र में क्या भरा हुआ है, अम्ल भरा हुआ है। आया बस समझ में कि नहीं आया, लिटमस पेपर जो होता है बच्चे, ये आप लोग देखेंगे छोटा सा पेपर आता है, या ऐसे भी देख सकते हो ये जो शादी में दफ्तर के होते नहीं उसमें चिपकाते हो, भी पेपर लिटमस पेपर की तरह मिल जाता, तुम लोग लिटमस पेपर लाओगे मिल जाता है। तुम लोग नींबू कल ले आना, तुम लोग को पेड़ कर करवा देना, नींबू कल ले आना, कल छुट्टी पास हो पेपर ले आएंगे ना, करवा देंगे, दिखा देते, ठीक है ना, आज समझ ना। अरे यार अच्छा बताओ, तो क्या करोगे, महंगाई का जमाना है, चलो ठीक है, नींबू हम ले बस, ठीक है ना, कल पढ़ के करवा देते, ठीक से हर चीज को पढ़ के लिए सीखते तो अच्छा लगता है। किताबी कीड़ा ना हो जाओ, क्या मैंने कुछ समझना, अभी तक पढ़ा दिए कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं किया, लड़के ने क्वेश्चन किया लिटमस पेपर होता क्या है, मैंने तेरे पूछा अब पढ़ लो लिटमस पेपर, लिटमस पेपर कोई पूछा नहीं कहा क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे क्लास क्वेश्चन करना सीखो, ठीक है ना, इतना हमारे पास बस में पढ़ कर करवा तो चल रहे हैं, हर चीज करवा रहे इसको पढ़ के तुम्हें करवाने लगा बहुत ज्यादा केमिस्ट्री, ठीक। तो ये बात समझ में नहीं आया, अगर देखिए क्लास पहले अम्ल जो जलीय विलयन में क्या कर देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ठीक। अच्छा बच्चों, अब हम पाचन बताए थे, पाचन में कौन सा अम्ल होता है, HCl होता ना, पाचन क्रिया में हमारे आमाशय होता ना HCl, ठीक। अभी तो धुआं धुआं लेकर आता है जब खाए मिट्टिया भर, तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो, प्रबल और दुर्बल। प्रबल क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या हो, अधिक हो, ज्यादा हो, और प्रबल, और जिसमें कम हो वो क्या कहलाएगा, दुर्बल। इसके भौतिक गुण हमने क्या बताया, इस स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। समझ में आया नहीं आया, अब इसके रासायनिक गुण की बात करते हैं, केमिकल रासायनिक गुण ये है, पहला कि जो अम्ल होता है आपका, ये अगर धातु से क्रिया करेगा तो सदैव हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, लवण तो बनाएगा और साथ में क्या उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन गैस। कभी भी अम्ल, कोई भी अम्ल हो, हमेशा जब भी धातु से क्रिया करेगा कौन मुक्त होगा, हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि बताइए जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है, आपका जवाब होना चाहिए कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। आया समझ में क्लियर। अब अगर बात करें कि अभी सबके गुण में आएंगे, हम लोग रासायनिक गुण बात करते हैं, सबके जान जाए कि लवण क्योंकि यहां पर आ गया, लवण के अभी थोड़ा जान जाए ना, उसको चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लोग क्षार के, पहले तब गुण पे आते सबका, क्षार क्या है, यहां पे देखा जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और क्षार यानी बेश, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में कौन, OH- हाइड्रोक्सिक आयन,
हाइड्रोक्सिक आयन देता है, क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। हमने कहा जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिक आयन देता है क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत है? जैसे बच्चों KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है? क्षार है। अगर तोड़ेंगे जलीय विलयन में इसका, इसे KOH है, अगर जलीय विलयन में तोड़ोगे ये तो टूट जाएगा, पोटेशियम पॉजिटिव में OH नेगेटिव में, टूटा कि नहीं टूटा, OH आयन दिया कि नहीं दिया, क्या कहलाएगा? क्षार। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या आपका? क्षार। CaOH का होल्ड पर, ये भी क्या आपका? क्षार। आया बस समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत? अब बच्चों इसके बाद क्या जाए, इसके गुण के बारे में, तो ये क्या करता है कि स्वाद में खट्टा था, ये स्वाद में कड़वा या कसैला होता, ठीक है ना, ऐसा होता है, कड़वा या कसैला होता है। दूसरा बात, इसने नीले लिटमस को लाल किया था, ये लाल लिटमस को, लाल को कैसे कर देता है? नीला कर देता है। आया बस समझ में, ये इसके गुण हो। मिल जाएगा, छाल मिल जाएगा, उसके बारे में बता रहे। ठीक, तो इतना बातें पहले लोग लिख लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम लोग लवण का, साल्ट, लवण साल्ट, ठीक है, ये क्या होता है? अभी तो साल्ट नमक जानते हो ना, साल्ट तो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण क्रिया को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया उदासीनीकरण, है ना, हमने क्या बताया, हमने कहा अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्रिया को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पे एक शब्द आ गया है, क्या? उदासीनीकरण। ये उदासीनीकरण क्रिया क्या है? यानी ऐसी क्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाते हैं, वह क्रिया कहलाता है क्या? उदासीनीकरण। हमने यहाँ बता दे रहे हैं कि उदासीनीकरण का मतलब होता है, उदासीनीकरण क्रिया का मतलब कि जिसमें, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अम्ल और क्षार, कौन? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण तथा क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण क्रिया कहलाता है। हमने कहा अम्ल लिया गया, क्षार लिया गया, क्या बना? लवण बना, और क्या बना? जल बना। तो ये क्रिया कहलाता है क्या? उदासीनीकरण। और इसी क्रिया को कहते हैं क्या? लवण। हमने कहा अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण क्रिया को क्या कहते हैं? लवण। बच्चों अम्ल ले लिया गया, क्षार लिया गया, क्या बना आपका? लवण बना, और प्लस क्या बना? जल बना। ठीक, अब अगर बात करें अम्ल में ले रहे हैं, चलो HCl ले लिया गया, क्षार में NaOH ले लिया, ठीक, सोडियम अधिक क्रियाशील है ना, इसको विस्थापित करेगा इस तरह से, आयनों का क्रिया होगा ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, बन जाए क्या? NaCl लवण, बचा क्या? H2O जल। तो ये अभिक्रिया कहलाता है उदासीनीकरण क्रिया, और ये क्या बना था? लवण था, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये प्रकार क्या है? लवण है, क्या ये? नमक है ना, नमक का सूत्र है ना। ठीक,
तो ये कहलाता आपका लवण। ठीक, अब सबके गुण के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक गुण के बारे में, अम्ल के रासायनिक गुण और क्षार के रासायनिक गुण। ठीक, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए, बात करते हैं हम लोग कि अम्ल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में। पहले अम्ल का रासायनिक गुण जानेंगे, फिर क्षार का जानेंगे, फिर आएंगे पीएच मान पे। ठीक है ना, आराम आराम चलते जल्दी नहीं चलते। अम्ल के रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए, पहला पर हम देखते हैं कि धातुओं से क्रिया, किससे? धातुओं से क्रिया। किसका क्रिया बच्चों? धातुओं से, अम्ल का। अम्ल का क्रिया किससे कर रहे हैं? धातु से। देखिए, ये हमने कह दिया HCl क्या आपका अम्ल है, और आपका धातु में कुछ भी ले लो, चलो जड़ियां ले लिया, जिंक भी आपका क्या है? धातु। जिंक अब क्या है? धातु। तो क्रिया जब करेंगे तो बनेगा आपका जड़ियन Cl2। Cl2 क्यों? आपको सरल सूत्र कितना बताए हैं, याद करो, जड़ियन Cl2 कैसे हुआ बताए आपको। जिंक के लिए हमने बताया जिंक का मोनो क्रमांक कितना होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए, ठीक है ना, स्थिरता। और Cl कितना होता है? एक, याद है ना, ऐसे तो होता है। तो जड़ियन Cl क्या है? लवण। और प्लस के हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? स्थापित। अब बैलेंस ही करना आपको जानते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे कितने से, ठीक है, आया समझ में कि नहीं है? बताइए कौन सा गैस मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त। ठीक, कोई दिक्कत? अब अगर बात करें, जैसे लिखा है H2SO4, ये क्रिया कर रहा है आपका जड़ियन से ही ले लो, ठीक, तो क्या बनेगा ये जड़ियन SO4। अब यहां दो बार है क्योंकि इसका दो होता है, पहले से इसका नहीं, जड़ियन S4 प्लस के हाइड्रोजन गैस। तो धातु का किससे क्रिया कराए हम लोग? अम्ल का, या अम्ल का धातु से क्रिया। तो जब भी अम्ल धातु से क्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस क्या करता है? मुक्त करता है। आया बस समझ में कि नहीं आया? और धातु क्या होता है? धातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाते हैं? धातुएं कहलाते हैं। और अधातुएं जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके ऋणायन बनाने के लिए प्रवृत्त होती है, वो कहलाते हैं अधातुएं। ठीक है ना, आसन में धातुएं चमकदार होती है, आगे सब मिलेगा टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा गुण क्षार से क्रिया, किससे क्रिया? क्षार से क्रिया। कौन क्रिया कर रहा है क्षार से? अम्ल। अम्ल का क्षार से क्रिया। बच्चों, जब भी आपका अम्ल, पता है आपको, क्षार से क्रिया करता है, क्या बनाता है? लवण बनाता है, और क्या साथ में बनाता है? जल बनाता है। ठीक, देखिए, अम्ल में ले लिया हमने H2SO4 ले लिया जाए, या कुछ भी ले लो जो आपके इच्छी इच्छा करे, जो इजी लगे आपका, चलो HCl लीजिए, आप इजी लेते हैं रिएक्शन। आपका क्षार में NaOH ले लेते हैं, क्या बन जाएगा? NaCl प्लस के H2। आया बस समझ में कि नहीं आया? क्षार से क्रिया हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कि धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया? धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। तो जब भी आपका अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, लवण बनाएगा, और जल को क्या करेगा? मुक्त करेगा। ठीक, तो अगला क्रिया देखते हैं, पहले दोनों नोट कर लीजिए, तो बताया। देखिए, अब बात करते हैं तीसरा गुण, तीसरा गुण क्या है कि धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, इसका अम्ल का, अम्ल का धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। हमने कहा अम्ल का किसके साथ? धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया,
एक बात याद रखेगा, अम्ल जब भी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। हमने कहा कि जब भी आपका धातु ऑक्साइड के साथ कौन क्रिया करेगा, अम्ल, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और साथ में जल बनाएगा। अब धातु ऑक्साइड तमाम है, MgO भी है, कॉपर ऑक्साइड भी है। चलिए CuO ले लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया और अम्ल में HCl ले लिया, ठीक। हमने कहा क्या बनेगा, जल बनेगा, क्या बनेगा, जल बनेगा और क्या बनेगा आपका, लवण बनेगा। लवण में बनेगा आपका कॉपर क्लोराइड CuCl2 और जल बनेगा यार H2। जब बना दिया उसका बैलेंस ही कर लो, यहां पे हाइड्रोजन दो बार, यहां पे एक बार, बस। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक। तो ये किसके गुण थे, अम्ल के गुण थे। आया समझ में, उसके भौतिक गुण भी हो गए और रासायनिक गुण भी हो गए, ठीक। नोट कर लीजिए इसको।